हे गाइज, वेलकम टू बैक एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 के। गाइज, अगर आप 15,000 के अंडर में एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो गाइज, अभी के टाइम में मार्केट में 15,000 के बजट में बहुत सारे स्मार्टफोन अवेलेबल है, तो उसमें अपने लिए सेलेक्ट करना एक अच्छा स्मार्टफोन काफी डिफिकल्ट हो गया है। तो गाइज, इस लिस्ट में हमने 3 ऐसे स्मार्टफोन को सेलेक्ट किया है जो कि काफी बढ़िया फोन है और दोस्तों काफी दमदार पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है, साथ ही इसका कैमरा क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी 9i 5G के बारे में। दोस्तों, ये स्मार्टफोन को अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। गाइज, रियलमी के और सब फोन से इसमें काफी डिफरेंट डिजाइन दिया गया है। चलिए हम पूरा डिटेल में स्मार्टफोन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है और ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप 2 सिम 1 माइक्रो SD कार्ड अलग से यूज कर पाओगे। बाकी दोस्तों, ये स्मार्टफोन को 2 वेरियंट में लॉन्च किया गया है मार्केट में। इसका जो पहला वेरियंट है 4GB की रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। दूसरा वेरियंट आपको 6GB की रैम और 128GB का स्टोरेज दिया गया है। दोस्तों, इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से बढ़ा सकते हो 1TB तक। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे यानी कि प्रोसेसर की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन में MediaTek की तरफ से MediaTek Dimensity 810 का चिपसेट यूज किया गया है, जो कि 6nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है और इसका अंतुतु स्कोर लगभग 3,22,000 के आसपास है। तो दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर काफी दमदार पावरफुल देखने को मिलता है, जिसमें आप गेमिंग वगैरह काफी स्मूथली कर पाओगे और दोस्तों डेली टास्क में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा इस फोन की हम डिस्प्ले की बात करते हैं, तो इसमें आपको 6.6 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन की एक IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आई है। और दोस्तों, ये डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको काफी जबरदस्त दी गई है। अगर हम इसके कैमरा की बात करेंगे तो दोस्तों, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि 50MP का प्राइमरी कैमरा है, 2MP का माइक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसके बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा से आप फुल HD 30fps वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो देखा जाए तो दोस्तों, कैमरा फोकस भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। वहीं पर इस फोन में पावर बैकअप के लिए 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है। चार्जिंग के लिए USB Type-C केबल भी मौजूद रहेगा। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों दिया गया है और 3.5mm का हेडफोन जैक भी रहेगा। तो दोस्तों, अगर हम इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करते हैं, तो यह स्मार्टफोन आपको 4GB की रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के लिए 14,999 रुपया पे करना होगा। वहीं पे इसका जो टॉप वेरिएंट है दोस्तों, उसके लिए आपको 6GB की रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के लिए 16,999 रुपया देना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो की ओप्पो की तरफ से ओप्पो K10 5G। दोस्तों, इससे पहले हमको मार्केट में ओप्पो K10 देखने को मिला था, जो 4G स्मार्टफोन था, ये एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जो कि काफी बेटर फोन देखने को मिलता है। अगर हम इसकी पूरा डिटेल में बात करते हैं तो लुक और डिजाइन में भी काफी बेटर देखने को मिलता है। बैक बॉडी प्लास्टिक का है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है और दोस्तों, ये फोन का 7.9mm का थिकनेस, 190g का वेट है। भाई, इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप 2 सिम 1 माइक्रो SD कार्ड अलग से यूज कर पाओगे। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करते हैं, तो इसमें आपको 6.56 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन की एक IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आई है। और दोस्तों, ये डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले होने वाली है, तो डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी बेटर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर हम इसके कैमरा की बात करते हैं, तो इसमें आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 48MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 2MP का डेप्थ सेंसर कैमरा और दोस्तों, सेल्फी के लिए इसमें आपको मिल जाएगा 8MP का फ्रंट कैमरा। भाई, इसके
इसके बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा से आप फुल HD 30 FPS से वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो दोस्तों देखा जाए तो कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको डिसेंट लेवल का देखने को मिलता है। तो दोस्तों वहीं पर इस फोन में पावर बैकअप के लिए 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बैटरी दी गई है। चार्जिंग के लिए USB Type-C केबल रहेगा। और दोस्तों इसके अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको वही प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि MediaTek की तरफ से है, MediaTek Dimensity 810 का चिपसेट 6nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। और दोस्तों ये चिपसेट एक 5G चिपसेट है जिसका अंतुतु स्कोर 3,22,000 के आसपास है। तो दोस्तों देखा जाए तो प्रोसेसर यहाँ पे आपको काफी पावरफुल देखने को मिलता है। तो प्रोसेसर से दोस्तों आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक दोनों दिया गया है और 3.5mm का हेडफोन जैक भी है। अगर हम इस स्मार्टफोन के प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों ये स्मार्टफोन मार्केट में 2 वेरिएंट में अवेलेबल है। इसका जो पहला वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 6GB की रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के लिए 16,499 रुपया देना होगा। इसका जो टॉप वेरिएंट है दोस्तों वो आपको मिल जाएगा 8GB की रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के लिए आपको 17,499 रुपया देना होगा। दोस्तों हम वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं वीवो की तरफ से आने वाले वीवो T1 5G। दोस्तों ये स्मार्टफोन भी अभी लेटेस्ट स्मार्टफोन है जो कि लुक और डिजाइन में काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। और इसका जो बैक बॉडी है वो भी प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये स्मार्टफोन भी एंड्रॉयड 11 को सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों देखने को मिल जाएगा और लाउड स्पीकर के साथ 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये फोन का 8.2mm का थिकनेस है, 187 ग्राम का वेट है। यहाँ पर भी आपको हाइब्रिड सिम का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आप एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड यूज कर सकते हो या आप एक टाइम में 2 सिम एक साथ यूज कर सकते हो। वहीं पे ये स्मार्टफोन को 2 कलर में लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की तो इसमें आपको मिल जाती है 6.58 इंच की फुल HD रेजुलेशन की एक IPS LCD डिस्प्ले जिसका स्क्रीन रेजुलेशन 1080x2408 पिक्सल है। और दोस्तों इस डिस्प्ले में आपको मिल जाता है 120Hz का रिफ्रेश रेट। दोस्तों ये डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी बढ़िया हद तक देखने को ठीक मिल जाती है। तो हम बात कर लेते हैं इसके कैमरा की तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 50MP का प्राइमरी कैमरा है और 2MP का माइक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर कैमरा। तो दोस्तों वहीं पे आपको सेल्फी के लिए मिल जाता है 16MP का फ्रंट कैमरा। दोस्तों अगर इसकी बैटरी की बात की जाए तो 5000mAh की बैटरी है और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि Type-C चार्जर है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की यानी कि प्रोसेसर की तो इसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट। दोस्तों ये चिपसेट 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जिसका अंतुतु स्कोर 400,000 के प्लस है। दोस्तों यहाँ पे आप मीडियम से हाई सेटिंग में काफी स्मूथ गेमिंग कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। डेली टास्क मल्टी टास्क में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बात करें अगर इसकी प्राइस की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन को भी 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसका जो पहला वेरिएंट है 4128 वाला 15,990 रुपया मिल जाएगा। वहीं पे इसका दूसरा वेरिएंट 6GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट आपको 16,990 रुपया मिलेगा। इसका तीसरा वेरिएंट आप देख सकते हो वो मिल जाएगा आपको 8GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज 19,990 रुपया में। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।